क्या आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल आता है जिसको देख के बहुत हार्ड लगता होगा? अगर आप इस तरह का एग्ज़ाम में जो सवाल है उसको चुटकियों में करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपका एग्ज़ाम का जो डर है इस टाइप का वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित ट्रिक। स्कूल के एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी फ्रैक्शन जब दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कौन सा भिन्न या फ्रैक्शन छोटा या बड़ा है, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम लग जाता है ट्रेडिशनल मेथड से करने के लिए। अगर इसका शॉर्ट मेथड हमें पता हो तो चुटकियों में बता सकते हैं कौन सा भिन्न छोटा या बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसमें 5/6, 8/9, 7/8 और 6/7 है और इसमें पूछा गया है अरेंज दिस फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में सजाइए। जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा आएगा। तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो उसको ढूंढने के लिए तरीका क्या है? जैसे यहाँ पे जो दिया है इसका छोटा बड़ा ढूंढने के लिए पहले हम इसका जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है यानी जो अंश और हर है इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 5 और 6 में 1 का डिफरेंस, 8 और 9 में 1 का डिफरेंस, 7 और 8 में 1 का डिफरेंस और 6 और 7 में 1 का डिफरेंस है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अंश और हर का डिफरेंस यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 का है, तो उस टाइम आपका जो अंश या न्यूमरेटर रहेगा सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे सबसे बड़ा 8/9 है, क्योंकि यहाँ पे 5, 8, 7 और 6 है तो 8 सबसे बड़ा है, तो 8 सबसे पहले आएगा और 8 के बाद यहाँ पे सबसे उसके जो सेकंड बड़ा है वो 7 है और फिर 6 है और लास्ट में 5 है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3/5, 7/8, 4/6 और 8/9 और यहाँ पे पूछा गया है व्हिच फ्रैक्शन इज लार्जर, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो बड़ा ढूंढने के लिए जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन ने बताया था कि अगर दोनों में अंतर समान है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में अगर अंतर बराबर है तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन पहले इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। जैसे 3 और 5 में डिफरेंस कितना है? 3 और 5 में यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 7 और 8 में, 7 और 8 में डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है और 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है और 8 और 9 में 1 का डिफरेंस है, यानी ये बराबर नहीं हुआ। अगर सभी में 1 का बराबर होता, 1 का डिफरेंस होता या 2 का डिफरेंस होता या 3 का डिफरेंस होता तो हम ऊपर से जो अंश है उसको चेक करके बोल सकते थे कि ये बड़ा है या ये छोटा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कम ज़्यादा है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे? डिफरेंस जिस कम है, जो सबसे ज़्यादा कम है वो सबसे बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंस इसमें 2 का है और इसमें 2 का है तो ये दोनों छोटा हो जाएगा। 3/5 और 4/6 इन दोनों में डिफरेंस 2 का है तो ये छोटा हो जाएगा और 7/8 और 8/9 इनमें डिफरेंस 1-1 का है तो ये बड़ा रहेगा। 7/8 और 8/9 का डिफरेंस सिर्फ 1 का है तो इन चारों में ये दोनों बड़ा है। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? जो पहले बताया था, अगर दोनों का डिफरेंस अंश का और हर का एक ही है तो जो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा रहेगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इन चारों में बड़ा 7/8 और 8/9 है और इन दोनों में सबसे बड़ा 7 और 8 के बीच में 8 बड़ा है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए वाला, 8/9 सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है यदि x इक्वल टू 2/5, y इक्वल टू 6/9 और z इक्वल टू 4/7 है तो इसका मान बताइए। मतलब कौन छोटा है और कौन बड़ा है इसको हमें लिखना है। तो उससे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है।
तो बड़ा देखने के लिए पहले इसका डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस 2 और 5 में 3 का डिफरेंस, 6 और 9 में 3 का डिफरेंस, 4 और 7 में 3 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस सभी का बराबर है। और अगर सभी का अंश और हर का डिफरेंस अगर बराबर होता है तो जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंश ये है 6, तो ये सबसे बड़ा एक नंबर पे आएगा। 6 के बाद 6 के नीचे 4 है तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, और सबसे नीचे सबसे छोटा जो अंश है वो 2 है तो ये 3 नंबर पे आएगा। तो अगर इसको हम सजाएंगे तो सबसे पहले 6/9 आएगा, उसके बाद 4/7 आएगा, और आखिर में 2/5 आएगा, यानी Y, Z और X। उससे पहले ये जो सिंबल है उसको पहले हम देख लेते हैं, बहुत बच्चे को थोड़ा डाउट हो जाता है। जो ये वाला सिंबल दिया हुआ है ये है लेस देन का, यानी जिसकी तरफ नोक है, जिसकी तरफ ये एरो का नोक है वो छोटा है। यहाँ पे जो नोक है वो वाई की तरफ है तो वाई छोटा है, यहाँ पे जो नोक एक्स की तरफ है तो एक्स छोटा है, जेड बड़ा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे वाई सबसे छोटा है और जेड सबसे बड़ा है, ये होता है लेस देन। लेस देन का सिंबल ऐसा होता है, और जो ग्रेटर देन का सिंबल ऐसा होता है, ठीक इसका उल्टा। ये हो गया लेस देन और ये हो गया ग्रेटर देन। इसको याद रखने का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि जिसकी तरफ नोक है, जिसकी तरफ ये जो एरो है वो छोटा है, एरो जिसकी तरफ है वो छोटा है, और एरो के ऑपोजिट में जो है वो बड़ा है। जिसकी तरफ नोक है वो छोटा है, तो यहाँ पे वाई की तरफ एरो है वाई छोटा है, यहाँ पे एक्स छोटा है, यहाँ पे। तो हमने क्या देखा था, 6/9 वाई पहले आएगा, वाई सबसे बड़ा होगा, उसके बाद वाई के बाद जेड आएगा, और उसके बाद आखिर में एक्स आएगा। तो इस तरह कौन सा आपका जो ऑप्शन दिया गया है किस में है वो देख लीजिए, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी में है, एक सबसे छोटा, उसके बाद जेड और वाई सबसे बड़ा। तो इस हिसाब से बी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 7/5, 10/5, 11/3 और 4/10, और पूछा गया है व्हिच फ्रैक्शन इज लार्जर, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो अभी इससे पहले जो 3 क्वेश्चन किया था उसमें वो था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, और ये है, ये जो क्वेश्चन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश छोटा हर बड़ा, तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको करने का तरीका, पहले हम इन दोनों को, इसका अंश और इसका हर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंश और इसका हर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका अंश और हर को मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या आएगा देखते हैं। 5 7 35 और 5 10 50। अगर अंश बड़ा है तो इस साइड वाला बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर बड़ा है, अगर हर बड़ा हो गया तो ए वाला बड़ा है, तो इन दोनों में से ए वाला बड़ा है। चलिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है देखते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 11 को गुना करेंगे तो 110 आएगा, 110/3 4 12। और अगर हर बड़ा हो गया, हर बड़ा हुआ तो इस साइड वाला बड़ा है, और अगर अंश बड़ा हो गया तो इस साइड वाला बड़ा होगा, लेफ्ट साइड वाला। जैसे इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अंश छोटा है इसलिए राइट साइड वाला बड़ा है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, इसका अंश बड़ा है तो इसमें लेफ़्ट साइड वाला बड़ा हो जाएगा। तो अभी हमें मिल चुका है इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा। अभी इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये अगर मिल जाए तो हमें सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है या भिन्न है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3 10 जा 30 और 5 11 जा 55। तो यहाँ पे अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो उस हिसाब से ये वाला बड़ा हो जाएगा हमारा। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 12/14, 10/9, 15/7 और 9/3। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें किसी में अंश बड़ा है और किसी में हर बड़ा है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको भी सेम तरीके से करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्या आएगा, 9 12 जा 108 और 14 10 जा 140। तो इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो उस हिसाब से ये वाला बड़ा हो जाएगा। और अभी इसको देखते हैं, अगर इसको करेंगे तो 3 × 15 = 45 और 7 9 = 63। यहाँ पे अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो उस हिसाब से इस साइड वाला बड़ा हो जाएगा। अभी इन दोनों को करेंगे तो 7 10 = 70 और 9 15 = 135। यहाँ पे अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो उस हिसाब से राइट साइड वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस चैनल का सभी लेटेस्ट मैथ रिलेटेड वीडियो और शॉर्ट ट्रिक्स तुरंत पाने के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।